दिस इज द सेकंड आर्कियोलॉजिकल आइलैंड म्यूजियम इन द वर्ल्ड। तो म्यूजियम में एंट्री करते बराबर सबसे बड़ी आपको ये मूर्ति मिलेगी भगवान बुद्ध की। 56 टुकड़े मिले थे उसके, वो जोड़ के पूरी भव्य मूर्ति बनाई गई है। आप पूरा भारत खोद डालिए, आपको मिलेंगे सिर्फ बुद्ध के अवशेष। बौद्ध स्तूप, ये पूरा निकला भाई, बुद्ध ही बुद्ध, इतने बड़े बड़े पत्थर, बापरे पत्थर की चौड़ाई उस जमाने में किस तरह से की होंगी यार ये कला। ये देखिए ना ये पत्थर किस तरह से, मतलब बुद्ध के चरण कमल के साथ ब्राह्मणी शिलालेख में बुद्ध धर्म के दो विभाजन, ये देखिए भाई। यहाँ पे आप जो कुछ भी देख रहे हो वहाँ पे एक एक पीस की कीमत करोड़ों रुपए होगी भाई। 3rd-4th सेंचुरी का ये धान्य भंडार। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके आया हूँ नागार्जुन सागर डैम, जो हैदराबाद से आपको आना पड़ेगा 150 किलोमीटर दूर यहाँ पे। और यहाँ पे जाने के लिए थोड़ा एडवेंचर टाइप का है, बोट वोट है, देख सकते हैं आप इधर बोट पीछे। और ये मेरी पूरे फैमिली जा रही है इधर, तो भाई हम भी जा रहे हैं और आपको बताऊंगा रास्ते में और आगे इसकी हिस्ट्री एंड ऑल, तो एंड तक बने रहना। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें इस बोट को पकड़ना है और इस बोट को पकड़ कर हम जाएंगे। चलो देखते हैं बोट के अंदर के नज़ारे। तो भाई चलो इधर से भी रास्ता है, हमको और ऊपर चढ़ना है। ये देखिए आप, हाँ ऊपर खुला आसमान, नीचे पानी और हम चढ़ रहे हैं बोट। भाई चलो भाई, पूरी बोट फूल हो गई भाई। कहाँ बैठने का भाई, चेयर वेयर आएगा नहीं? तो देख सकते हैं आप, ये 2 बजे की बोट है, ये 150 रुपये की टिकट है आने जाने की यहाँ पे, और ये दिन भर खुला रहता है। और अगर म्यूज़ियम देखना है आपको तो उसकी 30 रुपये टिकट रहेगी। वो दिख रहा होगा आपको, वो है डैम, हमें जाना है उस साइड। और अभी बोट भरनी बाकी है करके रुके हुए हैं। पूरा खुला आसमान, नीचे पहाड़ और पानी, नागार्जुन सागर में आपका स्वागत है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों 50 मिनट का रास्ता बोट में बैठ के कवर करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं पुरातत्व संग्रहालय और पुनर्निर्मित स्मारकों में नागार्जुन कोंडा में। तो यहां से भी काफ़ी लंबा रास्ता दिख रहा है, देख सकते हैं आप यहां पे। और यहां पे भी इस टापू पे, आइलैंड पे दोनों साइड ग्रीनरी है, इधर भी और इस साइड भी। फाइनली हम जा रहे हैं अंदर, और अंदर जाके हम पूरी देखेंगे, म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करेंगे। देख सकते हैं आप किस तरह का म्यूज़ियम है। स्टोन आइटम डोंट टच सर। ओके सर, कह रहे हैं कि किसी को भी टच ना करे। ओ वाह, देखिए भाई ये नागार्जुन सागर डैम जब बन रहा था तो उसके निर्माण के समय जो खुदाई हो रही थी तब ये सब कुछ मिला है। देखिए आप, सब कुछ भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, प्रतिमाएँ सब। बाप रे, बुद्धा ऐसे ही नहीं कहते कि बुद्ध धर्म सबसे पुराना धर्म है, ये साबित भी होता है। आप पूरा भारत खोद डालिए, आपको मिलेंगे सिर्फ बुद्ध के अवशेष, बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे हर तरफ। और सम्राट अशोक के समय में ऐसा हुआ था कि अखंड भारत होने की वजह से उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किए थे भगवान बुद्ध का कि पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, भारत हो, हर जगह बुद्ध ही बुद्ध हमें मिलेंगे। देखिए भाई ये कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं। वाह, ये तीसरी सदी के ये सब बनाए हुए मूर्तियाँ हैं, ये देख सकते हैं आप। वाह, इस तरफ देखिए। तो म्यूज़ियम में एंट्री करते बराबर सबसे बड़ी आपको ये मूर्ति मिलेगी भगवान बुद्ध की। अगर आप नो इसको में हमको पता चला है कि इसके 56 पीसेस मिले थे, मतलब 56 टुकड़े मिले थे उसके, वो जोड़ के ये पूरी भव्य मूर्ति बनाई गई है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सबसे बड़ी मूर्ति है ये भगवान बुद्ध की जो यहाँ पे खुदाई के दौरान मिली है। उसमें से उनका राइट हैंड नहीं है, कहा ऐसा कहना है गाइड का कि वो हिंदू जो राजा था उसने इनका हाथ तुड़वा दिया था इसलिए वो, और वो पीसेस कहीं फेंक दिए थे इसलिए मिला नहीं, ऐसा कहना है भाई। मैं तो देख के तृप्त हो गया बाबा। ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा दिख रही है लेकिन इनकी भी गर्दन टूटी हुई है,
बुद्ध का धड़। देखिए भाई, किसी भी पत्थर को छूना मना है। ये सब जब मैं लाइव देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी खुद 3वीं सदी में चला गया हूँ। ये देख सकते हैं आप स्तूप, बौद्ध स्तूप, वाह। और उसके ऊपर जो ये किया है कलाकृति, ये हमने बुद्ध वनम में भी ऐसा ही देखने को मिला था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं बुद्ध वनम का मेरा वीडियो। ये देखिए भाई, स्तूप के ऊपर, बुद्ध स्तूप के ऊपर यहाँ पे ये मुद्राएं दी है, ये स्कल्पेट लगे हुए हैं। ये पूरे बुद्ध का जीवन काल है, जन्म से लेके तो मृत्यु तक का। यहाँ लुम्बिनी वन में सिद्धार्थ का जन्म, ये देखिए यहाँ पे सिद्धार्थ का जन्म होते हुए। हमने जो बुद्ध वनम में जो है वहाँ पे ऐसा है कि वो लोगों ने बनाया है इसकी कॉपी, लेकिन ये 3री शताब्दी में, 3रे युग में, 3वीं सदी में ऐसा बनाया गया था भाई। बुद्ध ही बुद्ध, इतने बड़े बड़े पत्थर, बाप रे, पत्थर की चौड़ाई उस ज़माने में किस तरह से की होंगी यार ये कला। ये देखिए ना, ये पत्थर किस तरह से, मतलब ये सब सामने से प्लेन है, उसके ऊपर कलाएँ की गई है, आर्ट किया गया है ओरिजिनली। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर यहाँ, कितना बड़ा चौड़ाई है, देख सकते हैं आप, पूरा मार्बल जैसा तो लग रहा है, पत्थर दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी पूरी कहानी लिखी हुई है कि क्या है इस पत्थर के ऊपर, क्या बताना चाहते हैं सिद्धार्थ का। देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगी, बाप रे, इतने सारे स्टैचू है, अब क्या क्या ही कवर करूँ। तो सही है भाई, ये बर्तन भी मिला है लगता उनको। अब ये कब का है वो देख लेते हैं हम। ये बर्तन पूरा मिट्टी का दिख रहा है, कौन सी मिट्टी का है ये, धान्य भंडार है ये। और वहाँ पे लिखा है 3rd-4th century का है ये, 3rd-4th century का ये धान्य भंडार। यहाँ ये देखिए भगवान बुद्ध का धड़, इस तरफ ये क्या है, बुद्ध के चरण कमल के साथ ब्राह्मणी शिलालेख में बुद्ध धर्म के 2 विभाजन। ये देखिए बुद्ध के चरण कमल, देखिए आप, वाह। इस तरफ भी पत्थर है, पत्थर देखिए आप, उस ज़माने कितने मोटे मोटे कितने होते थे। अभी तो इस तरह से स्लेट पे कारीगरी की जाती है, लेकिन उस ज़माने में जो थे, जो भी होंगे मूर्तिकार जिन्होंने ये बनाया है भाई, वो कितना बारीकी से काम करते हैं। ऐसा लग रहा है आप अगर इनको देखोगे तो ऐसा लगता है कि ये मशीन द्वारा बनाए गए मूर्तियाँ, लेकिन भाई ये उस ज़माने में हाथों से बनाए गए। मैं यही सोच के पग लगा हूँ कि कितनी सटीक कला है, कितनी बारीकाई से ये काम किया है। देखिए आप, ये देखिए इस तरफ, बाप रे, सही है। आप अगर देखोगे तो आजकल काफ़ी मूर्तियाँ, बुद्ध की काफ़ी मूर्तियाँ है जो बालाजी बन गई, तिरुपति बालाजी बना डाले, किसी को क्या बना डाले, उसके लिए केसेस भी चालू है। कई बुद्ध की मूर्तियों और जो शिवलिंग जैसे वो स्तूप दिख रहे हो उसको शिवलिंग बोल के वो भी हड़प लिए लोगों ने, मतलब यही चलते आ रहा है भाई। लेकिन अगर हम पढ़ाई करें अच्छे से तो हमको पता चलेगा कि बुद्ध से पहले कोई नहीं था भाई, बुद्ध ही बुद्ध है। तो आप देख सकते कि यहाँ पे जब ये नागार्जुन सागर का निर्माण हो रहा था तो जो कुछ भी मिला है ये ज़मीन के अंदर वो सब कुछ है। वहाँ पे 5 रिलीजन मिले हैं, जिसमें सबसे पुराना रिलीजन है बुद्धिस्ट, और फिर 3rd century का है वो, और फिर यहाँ पे फिर हिंदू ने राज किया, हिंदू राजा ने, फिर उसने हिंदू देवी देवता बिठाए, तो उसके हिसाब से ये देखिए ये 17वीं सदी का है। फिर शंकर जी है, नंदी है, गणेश जी है, फिर इधर हम आएंगे तो ये महिषासुर मर्दिनी जी है, महिषासुर मर्दिनी देवी है, और वहाँ पे जैन भी मिले हैं। देख सकते हैं आप, ये जैन तीर्थकार है, ये आप देख सकते हैं 14th-15th century के। पर लेकिन जो सबसे पुराना जो धर्म है वो है बुद्धिस्ट धर्म। इस तरफ सती, ये देखिए सती, इस तरफ है देवसेना, वो ये सब नाम पूरे बुद्ध कालीन नाम ही है ये सब। ये देखिए स्त्री, इसकी मुंडी टूटी हुई है, गर्दन टूटी हुई है। ये रख सकते हैं आप नागराज मुछलिंद, बुद्ध के अपने फन छतरी से वर्षा और धूप से रक्षा कर रहे हैं। देखिए ये देखिए बुद्ध के धड़ है पूरे, यहाँ पे लिखा भी है बुद्ध के धड़, छोटे बड़े हर साइज में बुद्ध ही बुद्ध।
बुद्ध ही बुद्ध है हर जगह हर गली, सिद्ध है वो बुद्ध है वो बुद्ध है। देखिए भाई इधर भी है, नीचे से ऊपर तक। सिद्धार्थ ने बुद्ध रोगी शव और सन्यासी को देखकर मन विचलित होना, अच्छा वो दिखाया गया है यहाँ पे उनकी कहानी कि उन्होंने रोगी को देखा, मरता हुआ देखा, बीमार देखा एंड ऑल, ऐसा कुछ तो भी है ये, और उनका मन विचलित हो गया, इस तरह की ये कहानी है। इधर इस तरफ हम देखेंगे क्या है, ये देवी गॉडेस देवी कुछ है, ये है कार्तिकेय, धड़ नहीं है। इस तरफ ये पत्थर है, शिवलिंग, शिवलिंग भी है यहाँ पे, शिवलिंग नॉट अ शिवलिंग इस अ शिवलिंग। अरे कार्तिकेय, ये क्या स्त्री का धड़। इधर भी आप देख सकते हैं ये स्तंभ, जितना भी हम यहाँ पे देखेंगे सब कुछ बुद्धकालीन है, बुद्धा से रिलेटेड है। विद्याधारा, देवत्त, मिथुन दंपत्त, बुद्ध का धड़, बुद्ध, देखो इनकी नाक टूटी हुई, जैसे मिले वो किस हालत में मिले, विद्याधारा, यक्षी, अरे वाह विद्याधारा, वाह देवी गॉडेस जो भी है। हम अगर मर जाते हैं तो 100 साल बाद तो साला कोई हमको जानेगा भी नहीं, लेकिन ये देखिए ये तीसरी भी सदी की मूर्तियाँ हमारे सामने, ये पत्थर वो ज़माने के बुद्ध का धड़, ये उस ज़माने में देखिए, ये जो हम अभी क्या बोलते चक्की का पाठ, चक्की का पाठ लिखा है इसके ऊपर, हाँ घोटनी भी बोलते हैं इसको, ये देखिए पुष्प पदक फूल फूल बनाया गया है इसके ऊपर, ये भी कुछ घोटनी है चक्की का पाठ, सही है। इस तरफ क्या है भाई, ये सब शिल्पकला है, खुरदुरी रूपरेखा है, कुछ तो भी नारी नारी नर नारी दिख रहे हैं भाई इसके ऊपर, बाप रे जितना देखोगे उतना कम है भाई, एक से एक सुंदर वस्तु शिल्पकला हमको यहाँ देखने को मिली। और ये देखिए भाई क्या आर्किटेक्चर होगा उस ज़माने का, क्या लोग होंगे यार, जो कहानियों के ज़रिए पूरी कहानियों की कहानियाँ छाप दी इन्होंने पूरे पत्थरों के ऊपर। यहाँ पे लिखा होगा स्तूप फलक बुद्ध का, देखिए अब स्तूप फलक है, लेकिन ये जब लोगों को मिला है तो इसको लोगों ने शिवलिंग बना डाले। ये देखिए ये भी बुद्ध का कितना बड़ा ये आर्ट है, यहाँ के सब वो टूट गया है तो जितना मिला है उतना रखा है उन्होंने, सही है। ये देख सकते हैं हम, इधर भी कुछ लिखा है तेलुगु में या जो भी हो, चतुर्मुख स्तंभ शिला शासन ऐसा कुछ तो भी लिखा है। ये है स्तूप फलक खड़ा हुआ बोधिसत्व पद्मपाणि ऐसा बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे जितने भी पत्थर हम देखेंगे सब पे कुछ ना कुछ कहानियाँ, कोई ना कोई पत्थर दर्शाता है, ये सब हिस्टोरिकल भाई पत्थर है, इनको छूना मना है, वैसे तो इन्हें खुले में रखा हुआ है, लोग तो छूते भी होंगे पर पता नहीं। आप देख सकते हैं ये अंगुली माल का परिवर्तन है यहाँ पे, अब यार इतिहासकार बोलो या संशोधन जो भी हो, जिसने भी संशोधन किया होगा इसके बारे में रिसर्च किया होगा, उन्होंने भी क्या दिमाग लगा के यार कि ये आखिर कहीं ना कहीं चाहता है। अभी अपोजिट ये लाइट होने की वजह से, खिड़की होने की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये ऐसा कुछ है। चलो बढ़ते हैं आगे, यशोधरा और बुद्ध के दर्शन है इधर, लोग करने आ रहे हैं वो दिखाए गए यहाँ पे, उस ज़माने के स्तंभ है, बौद्ध स्तंभ हम कह सकते हैं इसको। तो ऐसे ही सारे पत्थर लगे हैं, जितना देखेंगे उतना हमें और नॉलेज मिलेगा, और मैं क्या क्या ही बताऊँ और कितना ही दिखाऊँ, अगर आप यहाँ पे आके लाइव देखोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा, फीलिंग आएगी और बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे कि ये है क्या एक्चुअली। अर्ली स्टोन एज, यहाँ पे ये कुछ पत्थर भी मिले हैं उस ज़माने के, आप देख सकते हैं अर्ली स्टोन एज का, ये देखिए थोड़ा मैप वैप भी बनाया है, ये देखिए ये पत्थर किस तरह के है उस ज़माने के भाई। यहाँ पे आप जो कुछ भी देख रहे हो वहाँ पे एक एक पीस की कीमत करोड़ों रुपए होगी भाई, ये देख सकते हैं, ये थोड़ा प्राचीन शिला युग यहाँ पे लिखा है, ये देखिए मिडल स्टोन साइड एज, यहाँ पे देखिए धनुष्यबाण वगैरह आया है, पत्थर का ही धनुष्यबाण है, पत्थर उस पर लगाया है और इससे लोग शिकार विकार करते थे,
धनुष और बाणों का उपयोग शिकार करना का आहार करने के लिए वो है। फिर ये मध्य प्राचीन शिला युग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वाह सब भाई, एक एक पत्थर बहुत महंगा है, इंसान से ज़्यादा महंगा तो पत्थर है भाई। तो लेड स्टोन है इस साइड है, ये यहाँ पे लिखा है लेड स्टोन है इस साइड। यहाँ पे देखिए कितनी बारीक बारीक टुकड़े है, ये सूक्ष्म शासन युग एरो हेड है। यहाँ पे धान इकट्ठा करना शिकार करने वाले ये बाण वान देख सकते हैं आप, ये औजार के रूप में जो पत्थर यूज़ किया करते थे उस ज़माने की, आप देख सकते हैं ये कुराड़ उराड़ टाइप का है कुछ तो भी, हथौड़े टाइप का। वाह इसके ऊपर रख के क्या करते होंगे उसको भी बता यार। नवशासन युग ये देखिए बहुत कुछ सही है यहाँ पे देखने लगे। ये देखिए पहले के ज़माने के आदिवासी लोग आप देख सकते इधर, और इस साइड भी हम देख सकते ये न्यूलिथिक एज। ये देखिए इधर के पत्थर देखिए आप किस तरह के पत्थर है ये। वाह ये देखिए ये भी थोड़ा सा भाले वाले टाइप का कुराड़ उराड़ टाइप कुलाड़ी दिख रही है, ये पत्थर की बनी हुई कुलाड़ी देखिए कैसी है। वाह पत्थर से बने काम, ये देखिए भाई इधर भी पत्थर है, इधर भी पत्थर, पत्थर ही पत्थर है। इस तरह के कुछ फोटोग्राफ भी मिले हैं देखिए, इस तरह का ये अंदर में स्केलेटन भी दिख रहा है, किसी की समाधि वमाधि गाढ़ा वाड़ा होगा तो लकड़ा ऐसा है, उसके कुछ अवशेष यहाँ पे रखे हैं देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये देखिए औजार उस ज़माने का, ये धातु है पीसेस में, टूटे हुए पीसेस में लगाए गए यहाँ पे, ये मटके के पीसेस है, मटका है, बर्तन मांडे दिख रहे हैं, ये उस ज़माने की मिट्टी है, मेगालिथिक साइट्स लिखे बोलते हैं इसको देखिए आप। वाह सही है भाई बहुत ज़बरदस्त। चलो चलते हैं अभी हम बाहर की तरफ, और इधर हम जाएंगे बाहर तो हमें दिखता है ये कृष्णा रिवर। तो आई होप दोस्तों आपको आज की सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, आपने भगवान बुद्ध की तीसरी सदी की सारी मूर्तियाँ जो नागार्जुन सागर डैम की खुदाई के वक्त जो निकली थी उसका वहाँ पे म्यूज़ियम बनाया गया है वो आपने सब देखी हो, बारकाई से देखी हो, और भगवान बुद्ध के दर्शन आपने अच्छे से कर लिए हो। और इसके अलावा मैंने आपको स्तूप भी दिखाया उस ज़माने का, उस सदी का, वो भी दिखाने की कोशिश की, और जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे को थी मिली यहाँ वहाँ से वो मैंने आपको बताई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।